तो हेलो फ्रेंड्स, जिस चीज़ का आप लोगों को इतने दिनों से इंतज़ार थी वो आज हो चुकी है। एपेक्स लेजेंड का मोबाइल वर्जन आ चुकी है। आप चाहे तो इस गेम को प्री रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे गेमर्स होते हैं जो सोच रहे हैं कि एपेक्स लेजेंड आ गया लेकिन मेरे मोबाइल पर तो प्री रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो आज इस बारे में हम सब कुछ डिटेल्स में बात करेंगे। और हाँ, मैं हूँ विपुल और मेरा चैनल बैटल आर्म। आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियोस वगैरह लेने के लिए और गेम प्ले देखने के लिए। पीसी रिलेटेड गेम्स ही ज़्यादा होती है, मोबाइल कभी 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 आ जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो आपका और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें अपडेटेड रहने के लिए। तो चलिए, सबसे पहली बात, यहाँ पर एपेक्स, ये गेम एपेक्स लेजेंड आती है ये गेम की तरफ से, तो इन्होंने अनवील कर दी है अपनी एपेक्स लेजेंड मोबाइल वर्जन। इस गेम एपेक्स लेजेंड मोबाइल वर्जन हो सकती है पबजी मोबाइल, जो हमारे यहाँ पर इंडिया में बैंड हो चुकी है, उसकी अल्टरनेटिव शायद, पता नहीं, लेकिन कुछ भी हो सकती है। लगता तो होनी तो चाहिए, क्योंकि इस गेम को एपेक्स लेजेंड ने करीब दो साल तक डिले कर दिया मोबाइल पे, मोबाइल के प्लेटफॉर्म में आने के लिए। जो लोग पीसी में इस गेम को रन कर रहे हैं ऑलरेडी, उनकी बात तो अलग है, उनको इस गेम के बारे में पता है, लेकिन मोबाइल, जिन लोगों के पास पीसी नहीं है उनके लिए है ये मोबाइल वर्जन जो अभी अभी लॉन्च हुए। तो सबसे पहले देखते हैं ये गेम की तरफ से, यानी कि एपेक्स लेजेंड गेम के बारे में, ये गेम ने हमारे यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स वगैरह दिया हुआ है। तो इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मालूम चल जाएगी कि गेम में क्या, किस तरह से क्या हो रही है। अभी तक तो गेम लॉन्च पूरी तरह से नहीं हुए, बीटा वर्जन में चल रही है, और आप इस गेम को किस तरह से प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उस बारे में भी हम बात करेंगे। और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से आप डायरेक्ट जाके गेम को प्री रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल प्री रजिस्ट्रेशन के लिए कंफर्टेबल नहीं है, फिर भी आप इस लिंक से जाके सेम ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से आपने अपने मोबाइल पर चला के रखा है, उसी ईमेल आईडी से इस गेम को आप प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर इस टाइम पे आपके मोबाइल पे वो प्री रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, फिर भी 99% तक सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसमें कोई मुझे नहीं लगता होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका हो ही जाएगा 100%। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं एपेक्स लेजेंड के बारे में यहाँ पर क्या गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले गया एपेक्स लेजेंड जो गेम है जो अब इतने दिनों तक पीसी के लिए था, अभी वो मोबाइल एपेक्स लेजेंड मोबाइल के नाम से लॉन्च हो चुकी है। और लॉन्च होने का मतलब है ऐसा नहीं कि आप गेम को अभी खेल पाएंगे, इसका मतलब है इस गेम को लॉन्च किया गया है प्री रजिस्ट्रेशन एंड जो आपका गेम प्ले हो, मतलब क्या बीटा वर्जन जो तो है जिसमें आप टेस्टिंग वगैरह चलता है उस बारे में। तो यहाँ पर लिखा है दिस मंथ, ओके बीटा वर्जन जो आ चुकी है, तो आप यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हैं और ग्राफिक्स बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जब गेम पूरी तरीके से करीब एक दो महीने के अंदर आने की बात हो रही है, पता नहीं अब एपेक्स लेजेंड फिर से कोई ना डिले कर दे साइबर पंक की तरह। पिछली बार जो साइबर पंक का जो डिले हुआ था, मतलब डेट के बाद फिर जाके तो ग्राफिक्स का बहुत सारा बग बहुत सारा था। हम नहीं चाहते कि एपेक्स लेजेंड, प्लीज़ आप एपेक्स लेजेंड का हम बोलते कि ऐसा मत कीजिए, साइबर पंक में जैसा हुआ था उस तरह के इसमें नहीं होना चाहिए। तो बहुत मतलब कस्टमर जो लोग गेमर्स हैं उनको बहुत मतलब बुरा लगता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं न्यू वर्जन ऑफ एपेक्स लेजेंड वर्जन टू लिए ओरिजिनल, मतलब क्या है यहाँ पर जो आप ऑप्शन दिख रहे हैं, लिखा है इट्स ए न्यू वर्जन ऑफ एपेक्स लेजेंड बट इट इज़ ट्रू टू द ओरिजिनल, यानी कि ये जो गेम है एपेक्स लेजेंड जो पीसी वर्जन है, पीएस वर्जन में है, तो उसके बाद एक्सबॉक्स में है, उसी की तरह होगा, लेकिन ये एक न्यू गेम है मोबाइल के लिए, यानी कि आप ओरिजिनल गेम की तरह ही होगा लेकिन अलग। दूसरी जो यहाँ पर बताएगा वी आर कीपिंग, ओके सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फिलहाल के लिए व्यूअर्स के लिए है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है वी आर कीपिंग थिंग स्मॉल टू स्टार्ट विथ जस्ट 1000 प्लेयर्स, जस्ट ए फ्यू 1000 प्लस इन द इंडिया एंड द फिलीपींस बट ओवर द कोर्स ऑफ प्लेइंग विच रोल ऑफ द गेम, यानी कि ये जो गेम अभी लॉन्च हुई है ये सिर्फ इंडिया एंड फिलीपींस में ही लॉन्च हुई है, दूसरी किसी कंट्री में आप इसको प्री रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब ऐसा ये हो सकती है कि हमारे यहाँ पर इंडिया पे तो पबजी बैन है, तो अभी अब अगर एपेक्स लेजेंड यहाँ पर अपना गेम लॉन्च कर रहा है तो उसको कस्टमर ज़्यादा, गेमर्स ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्टिव होगी, क्योंकि एक गेम भी जो है ये भी एक बैटल रॉयल गेम है। तो शायद यही वजह है कि इस गेम को सबसे पहले बीटा वर्जन में लॉन्च किया गया है इंडिया और फिलीपींस में। दूसरी यहाँ पर ऑप्शन दिखा दे कि ओके, यानी कि यहाँ पर जो पीसी में जो प्लेयर्स है उस उन लोग तो यहाँ पर आप ग्राफिक्स को देख सकते हैं। और यहाँ पर हमें मिल जाती है एपेक्स मोबाइल के फैक्ट, यानी कि गेम के अंदर क्या क्या होने वाली है, किस तरह से गेम काम कर रही है, और जो थोड़ा बहुत गेम के लॉन्च होने से पहले जो क्वेश्चन वगैरह रहती है उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले है एपेक्स लेजेंड मोबाइल फ्यूचर क्रॉस प्लेयर विथ वर्जन ऑफ द गेम, यानी कि इस गेम पे जो आप लोग वर्जन देख रहे हैं यह मोबाइल वर्जन है। और यहाँ पर एपेक्स लेजेंड ने बता दिया है कि यहाँ पर क्रॉस प्लेटफॉर्म जो है, आप यहाँ पर मैं आपको दिखा दो इंडिकेट करके, एपेक्स लेजेंड गेम सिर्फ मोबाइल वर्जन के लिए सिर्फ मोबाइल है, इसके क्रॉस प्लेटफॉर्म में आप खेल नहीं सकते। यानी कि पीसी का जो प्लेयर है एपेक्स लेजेंड गेम खेल रहा है वो मोबाइल के प्लेयर के साथ नहीं खेल सकता, और जो PS4 का है वो भी मोबाइल के साथ नहीं खेल सकता। यानी कि ये थोड़ा अलग ही सर्वर पे हो गए, दोनों सर्वर को आप क्रॉस करके नहीं खेल सकते। अगर मोबाइल प्लेयर एपेक्स लेजेंड खेल रहा है मोबाइल पे तो मोबाइल पे ही खेल सकता है, दूसरे किन कहीं पे वो खेल नहीं पाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एपेक्स लेजेंड मोबाइल फ्री टू प्ले और पे टू विन। ये जो सिस्टम है इसका मतलब है फ्री टू प्ले, जो लोग गेम के अंदर पैसा नहीं डालते हैं, पैसा देके कुछ खरीदते नहीं है, उसको कोई एडवांटेज वगैरह नहीं, पैसा नहीं डालते। और पे टू विन प्लेयर है क्या, जो कि पैसा डाल के कुछ पावरफुल वेपन खरीद लेता है या फिर पावरफुल कुछ आउटफिट वगैरह मिल जाता है जिससे उनको कुछ एडवांटेज मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर बताया गया ये गेम टोटली फ्री टू प्ले होगा और यहाँ पर आपका कोई भी दिन, हाँ फ्री टू प्ले है ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गेम पूरी तरह से फ्री टू प्ले है, लेकिन इस गेम पे क्या एपेक्स लेजेंड मोबाइल विल फीचर विद बैटल पास, यानी कि इसमें बैटल पास होगी जैसे कि पबजी में होता था, सेम इसमें भी बैटल पास होगी। कलेक्टेबल कॉस्ट्यूम्स यानी कि आउटफिट्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात दी, इसका मतलब आप सोच लें कि ऐसा नहीं, फ्री टू प्ले का मतलब क्या है, जैसे कि फ्री फायर गेम में आप देख लीजिए, अगर किसी ने कोई अच्छा गन खरीद लिया उसको अपग्रेड कर लिया तो उसको डैमेज वगैरह ज़्यादा मिलता है, उसको कुछ बेनिफिट्स मिलता है पैसा देने की वजह से। लेकिन एपेक्स लेजेंड में ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक गेम एकदम फ्री, अगर आपको कोई स्किन वगैरह भी मिलता है उसमें कोई आपको ज़्यादा एडवेंचर्स नहीं मिलेगा, जो कि आपको पबजी की तरह ही देखा जाए तो गेम को इन्होंने एकदम पबजी की तरह ही बनाया है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है गेम ऑल्सो वर्किंग ऑन द एपेक्स लेजेंड मोबाइल, यानी कि यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर जो बताया गया कि इन गेम को इन्होंने किस तरह से अपग्रेड किया हुआ है, यानी कि इस गेम के लिए इन्होंने कोई अलग ही टीम बनाया, और लेकिन पबजी एपेक्स लेजेंड का जो था टीम, मेन एपेक्स लेजेंड पीसी के लिए जो टीम था उसी टीम के साथ मिलके इन लोगों ने इस गेम को डेवलप किया है। तो यहाँ तक तो आपको सारा डिटेल्स थोड़ा बहुत मालूम चल गया होगा, बाकी सब कुछ आपको मालूम चलेगा जब गेम पूरी तरीके से लॉन्च हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स वगैरह उन्होंने शेयर किया कि किस तरह से गेम का देखने वाला ग्राफिक्स वगैरह कैसा होने वाला है। ओके, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्री रजिस्ट्रेशन के बारे में, जिनको दिक्कत हो रही है। उससे पहले अगर आपको आप इस चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर दीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग उनको भी एपेक्स लेजेंड खेलने का मौका मिले, वो भी प्री रजिस्ट्रेशन के साथ। अगर आपका कोई दोस्त वगैरह प्री रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है तो उसके साथ वीडियो शेयर कीजिए, वो भी एक गेम को प्री रजिस्ट्रेशन कर सकता है और अर्ली एक्सेस पा सकती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गेम के प्री रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया प्री रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक के डायरेक्ट जाके प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, आपको दिक्कत आ सकती है कि प्री रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला ऑप्शन आपको आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपका अकाउंट लॉगिन होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो आप ईमेल आईडी डालेंगे, जो इस ईमेल आईडी से आप उसको लॉगिन करेंगे उसी ईमेल आईडी पे आपका गेम प्री रजिस्ट्रेशन होगा, यानी आपके मोबाइल पे जो ईमेल आईडी डाला हुआ है उसी ईमेल आईडी से आप इस लिंक में जाके लॉगिन करके फिर इसको प्री रजिस्ट्रेशन में
डाल दीजिए तो आपका प्री रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और 100% कंफर्म, अगर किसी का मोबाइल पे कंफर्टेबल नहीं है तो उसके वो भी अपनी ईमेल आईडी से इसको प्री रजिस्ट्रेशन कर सकती है। यहाँ पर कुछ गेम के ग्राफिक्स वगैरह के बारे में डिटेल्स दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, शायद ऐसा ही तो होना से तो बढ़िया होगा। और यहाँ पर आपको कुछ कैरेक्टर्स वगैरह, यानी कि एपेक्स लेजेंड के अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि पबजी के अंदर भी होता है कुछ कैरेक्टर होता है, उस तरह इसके अंदर भी कुछ कैरेक्टर्स के शॉट वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है। जस्ट इसको स्टार्टिंग में शायद ही इतना सिर्फ कितना है, 4, 5, 6, 7 कैरेक्टर्स है, शायद इससे ज़्यादा होगा, कन्फर्म ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी बीटा वर्जन में हो रहा है, तो देखते हैं आगे जाके गेम क्या होती है। हाँ, बहुत सिमिलर एपिक लेजेंड्स जैसा जो पीसी में चल रहा है उसी की तरह है। तो ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, आप भी गेम को प्रीजेशन कीजिए और खेलिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टेक केयर, गुड नाइट।